आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही चांसेस रहते हैं आने के। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपके सामने कि आपको क्या करना है, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी dx के टर्म में इंटीग्रेट करना है। तो हम देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे y के लिए इक्वल कर लेंगे और ये हमें माइनस बाहर दे रखा है दोस्तों, याद रखना इसे मिसमैच मत करना, ये इस पूरे के बाहर दे रखा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे आइडेंटिटी पढ़ी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हम एट क्लास में पढ़ चुके हैं, वो हम यहाँ पर अप्लाइड करेंगे। तो हम इसे साइन पावर 8x को किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस सेम ऐसी कॉस के टर्म में करेंगे, तो कॉस 4x की पावर का होल स्क्वायर देन ds से बाहर लिख देंगे। उसके बाद में नीचे हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके सम होता है, इनके इक्वल, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर 1 के। अब बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आना है, 1 ही आना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस में क्या करेंगे, जो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वो एज इट इज रहने देंगे। इसमें हमारे जिस चीज़ को रखने का कॉस एक ही है, जिससे कि हम इसमें से इस वाले पार्ट को टर्मिनेट कर सकें, क्योंकि जब इसे हम ओपन अप करेंगे इसमें से प्लस का वाला पार्ट निकलेगा जो कि इस माइनस वाले पार्ट को टर्मिनेट कर देगा। जैसे हम पता है कि सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन विच टर्मिनेट ईच अदर, ऐसे करके हम इसमें हमारे क्या निकला, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। देन आफ्टर उसके बाद करेंगे हम, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पार्ट बचेगा ऊपर हमारा भी, जब इसे ओपन अप करेंगे तो एक प्लस में निकली माइनस में टर्म निकली, प्लस वाली टर्म प्लस को कट ऑफ कर देगी। देन आफ्टर जो हमारे साइन पावर 4x एंड द कॉस पावर 4x, इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के चेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। जो हमने करा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, उसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद में 11 पार्ट हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है। उसके बाद में जो 11 पार्ट है आपने पढ़ा होगा कॉस 2x, कॉस 2x में क्या होता है, कॉस 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी के टर्म में इस चीज़ को रखेंगे हम। तो ये ऐसे क्या कर लेंगे, अब जब देखो इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में दे रखा है, जैसे हम पलटेंगे तो माइनस साइन हम बाहर कॉमन ले लेंगे, जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में हम जब हमने रखा तो कॉस 2x आ गया। अब देखो इसमें हमने सबसे पहले हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं जो होती है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम किसी भी टर्म को या कोई भी आप रेडियन को किसके किसी और वेरिएबल टर्म में इक्वेट करते हो। तो हम यहाँ पर 2x को किसके को ले लेंगे, टी के लेट कर लेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे जिस टर्म से वो क्वेश्चन चल रहा है, जैसे कि एक्स के टर्म में हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसी टर्म में हमसे डिफ्रेंशिएट करें जब हम उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसे जब हमने करा dt अपॉन dx हुआ, और यहाँ पर जब करेंगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, जब एक पावर कम होगी तो कितनी पावर हो जाएगी, इसकी जीरो, और हमें पता है कोई वेरिएबल की पावर जीरो होती है। जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 2, जैसे हमने बताया मैंने आपको कि 1 के इक्वल होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई जिस टर्म करते हैं तो वही सेम टर्म वापस मिल जाता है। जब इसे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, तो हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे इसी टर्म से, तो इसे मूव कराएंगे इस पार्ट को इधर और इसे इधर करा लेंगे, तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। देन आफ्टर हम इक्वेट कर देंगे, 2x की जगह हम t लगा देंगे एंड dx की जगह dt अपॉन 2, तो हम 1/2 को बाहर ले लेंगे ऐसा, क्योंकि वेरिएबल कोई भी इसमें चेंज नहीं करेगा, हमें इससे मतलब है, हमारा क्या हो गया, सेम फंक्शन हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें cos x cos t का पता है, क्या हो जाएगा sin t। और जब भी हम इंडेफिनेट के क्वेश्चन इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा क्या साइन आता है, कॉन्स्टेंट आता है, क्या आता है हमारा कॉन्स्टेंट, जो कि सिर्फ किस में आता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद बात करें हम आगे को, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, इसमें क्या है हमारा, जो हम बेसिक प्रॉपर्टी 8 में पढ़ते हैं कि रेशनलाइज करने के बारे में, तो सेम हम भी यहीं पर रेशनलाइज करेंगे। जब हमने देखा अभी इस टर्म को हमारे पहले से y के इक्वल दे रखा है, जब रेशनलाइज करेंगे तो जो नीचे टर्म दे रखा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो इसे यहाँ पर पूरा टर्म एज इट इज रहने देंगे, इसमें सिर्फ प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से होगा, एज इट इज सेम आ जाएगा, बट इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यानी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ बताई आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम इसका कन्वर्स हो जाएगा, मतलब मीन्स ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए टर्म सपोज कर लो इस पार्ट को आप, वैसे बी इसमें भी ए और बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसे पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर लिखा है।
जब हम करेंगे, जब भी हम किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा वही टर्म वापस मिल जाता है। तो देखो इससे जब हम ओपन करेंगे 1 - 2x हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस साइन दे रखा है, तो जब हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट में रख लेंगे, जिससे कि जब हम बाद में साइन चेंज कर सकें। जब इसे करा हमने सॉल्व, इसमें से हम करेंगे तो ये जब ओपन अप होगा तो ये प्लस का 2x आ जाएगा और ये माइनस का 2x, ये दोनों कट हो जाएगा और 1 - 3 हो जाएगा। तो हमारा 1 - 3 किसके इक्वल होता है? -2, क्योंकि जब भी माइनस करते हैं तो साइन किसका आता है? ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर हमारा 3 है, तो साइन कैसा हो गया? माइनस का। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, -2 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेट मीन्स ये इस पार्ट को अलग निकाल लेंगे, इस पार्ट को अलग निकाल लेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का पार्ट है तो इसमें माइनस आ जाएगा, बट ये माइनस का पार्ट था तो इसमें माइनस नीचे का डिनोमिनेटर है, ऊपर माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमारा क्या आ गया? प्लस। और 1/2 एक साथ देख देंगे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हमें पहली प्रॉपर्टी पता है कि जो भी हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी एक्स कट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्स ओवर एन प्लस एन प्लस वन, सेम मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम 2x को इस टी के टर्म में नहीं मानेंगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर आप याद रखना जब भी हम ऐसे टर्म का लेते हैं जैसे कि हम इजीली उस चीज़ को यूज़ कर सकें, जैसे कि हम इसमें 1 - 2x करेंगे तो हमारा 1 टर्म 0 हो जाएगा और 2x से सिर्फ हमारा -2 ही निकलेगा, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। और जो भी टर्म लेते हैं वो क्या आता है, हर बार डिनोमिनेटर के भी टर्म में आता है। जब हमने ऐसे करा तो ये टर्म बाहर आ सकती है, -2 से बाहर आएगा, जब इसे करेंगे हटाएंगे तो इसका 0 हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 से मल्टीपल -2, तो -2 नीचे लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर 1/2 दे रखिए, अब हम देखो n प्लस 1 होता है तो 1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1 और बेटर टर्म एज रिमेन देंगे, क्योंकि हमें बाद में सब्सटीट्यूट करना पड़ता है उस चीज़ को। तो इसमें देखो, इसमें माइनस नीचे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसमें माइनस था तो प्लस माइनस हो गया। तो इसमें भी हम सेम ऐसे करेंगे, इसमें -2 बाहर कॉमन आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाले 1/2 से। इसमें भी हम सेम ऐसे करेंगे और बेटर टर्म एज इट इज रहने देंगे और बाहर प्लस सी कॉन्स्टेंट है जैसे आपको बताया है। फिर उसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पे ये इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 = 3 एंड 2 नीचे डिवाइड फॉर्म में है तो ये ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन 2/4 = 1/3। उसके बाद में जब हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे भी हम सेम ऐसे टेस्ट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे इसे कट ऑफ करेंगे तो हमारे क्या 1/6 1 - 2x होल 3/2 एंड 1 - 1/6 3 - 2x का होल 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। उसका दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, ये भी हमारी एर्थ में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है एक्सपोनेंट में, कि जो हमारा एक्सपोनेंट हम निकाल सकते हैं, जो भी मिडिल टर्म देख सके कि उसकी कोई पावर बन सकती है। जैसे हमारी 8 है, 8 किसकी पावर बन सकती है, क्यूब होता है 2 का, तो हम उसे ऐसी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमारा 4 है, 4 किसकी होता है 2 की पावर 2 के, सेम एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 4 की जगह 2 की पावर 2 और 8 की जगह 2 की पावर 3। जब ने करा तो जो पावर बाहर की है वो क्या हो जाती है, हमें पता है मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर वाली पावर से, तो सेम एज इट इज करेंगे। इसे इसका मीन हमारा करने का यही है, जैसे कि सबके बेस से क्या हो जाए, सेम हो जाए, बेस 2 इसमें भी हो गया, बेस में भी हो गया और बेस में भी हो गया पावर, जिससे कि हम हटा सकें। और इसमें क्या हो रहा है, डीएस के टर्म में इसकी इंटीग्रेट हो रहा है। जब इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करा तो 3 + 3x हो गया, प्लस इसे करा तो 2 - 2x हो गया। अभी नीचे हमने सेम रखा 2/x। उसके बाद हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करा, ये सेपरेट हो गया, इस पर भी सेपरेट हो गया। जब आगे बढ़े तो हमें पता है बेस सेम हो तो हमारी पावर क्या आती है, माइनस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3x - 2x क्या होगा, 2 की पावर, यहाँ पर हमारा x ऊपर गया तो मीन्स ये क्या हमारा x है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर + 2x। सेम हमने यही करा है और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 2x नहीं ऊपर गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -3x, तो हमारा क्या हो गया 2 की पावर 2 - 3x। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा सबसे पहला वर्क क्या रहेगा, इस पार्ट को, या तो आप इसकी डायरेक्ट थ्योरम याद रख लो, इस पार्ट को आइडेंटिटी हमारी जो होती है इंटीग्रेट करने की, कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें से जो b होता है x के साथ में वो नीचे आता है अपॉन फॉर्म में, और ये लॉग के टर्म लिखी जाती है कि a की पावर सेम एज इट इज जो होता है उसके ऊपर लॉग a, जिस जो बेस होता है हमारा, और प्लस ही लगा देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप चाहो तो इसे इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो कि a की पावर ax dx को a की पावर x log a, जिसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, पूरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कोई भी टर्म ले लो, t के टर्म में वेरिएबल ले लो और तुम्हारे t के टर्म में कर लोगे तो आपका जो डिफरेंशिएट जिसके टर्म में कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, यही सही है आपका फॉर्मूला, इसे याद कर लो आप। जब आपने ऐसा करा, आपने एज इट इज लिख दिया, फॉर्मूला याद रखना आप दोस्तों, जो पेपर में फॉर्मूला बहुत जरूरी है इंडेफिनेट इंटीग्रेट्स के लिए। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपका क्या है, 1/2 2 की पावर 3 + 2x log 2 + नीचे क्या है 1/-3। अब ये देखो,
इसमें हमारा माइनस थ्री था तो हमारा नीचे आ गया वन अपन माइनस थ्री एज इट इज, हमने लिख दिया ऊपर, और नीचे बेस क्या था लॉग टू एज इट इज आ गया, ये हम कर देंगे। और प्लस थ्री हम कॉस लगाने, ये लगाना मत भूलना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें मैंने क्या लिया है कि इंटीग्रेट करा गया है कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जब इसे साइन एक्स को देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको तो आप क्या करना, सबसे मेन वर्क क्या रहेगा आपका, जो भी टेन है या कॉस एक्स है या आपका सेक एक्स, उन टर्म को किसमें टर्म कर देना, साइन साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म में आप कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर टेन एक्स को करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन की पावर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जब ऐसा करेंगे तो हमारा एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे साइन एक्स बचेगा, वो साइन अपॉन एक्स हो जाएगा हमारा अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। जैसा करेंगे और माइनस यहाँ पर है तो इधर क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जो कि हमें यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। जब ऐसा होगा तो हम इस पार्ट को ऊपर ले जाएंगे, जब नीचे हमें पता है कि डिवाइड में होता है फ्रैक्शन तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कट ऑफ हो जाएगा। देन डी एक्स के टर्म में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारे नीचे क्या पार्ट बचा, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जब इसे ओपन अप करा साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स निकलेगा, ए प्लस ए माइनस बी का थ्योरम लग जाएगी हमारे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो और टू ए बी, ए से मान लो ए बी से मान लो, तो ए टू साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का ध्यान जरूर रखना। उसके बाद में हमें मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किस कोल होता है वन के, तो हम वही करेंगे, हाँ सब्सिट्यूट कर दिया और वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको थ्योरम बता दूँ, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स किसके कोल होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है साइन टू एक्स टू साइन एक्स और कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो साइन टू एक्स, तो क्या लिखोगे यहाँ पर वन माइनस साइन टू एक्स। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई बाई टू अपॉन प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। अब एक्स हमारे कोई वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स दे रखा है सपोज, तो टू एक्स होगा तो यहाँ पर टू एक्स आ जाएगा, बट वो प्लस में हो जाएगा तो माइनस इसके साथ में आ जाएगा। जब हमने सॉल्व किया, अब आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी कि कॉस टू एक्स किसके इक्वल होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये बात याद रखना, जब यहाँ पर टू एक्स होगा तो यहाँ पर उसका हाफ हो जाएगा, वैसे ही जब हम ये लगाएंगे इस पार्ट को आप इसे ये माइनस का इधर मूव कराए प्लस में हो जाएगा। जब इसमें देखते हैं हम कि जब यला टर्म होता है तो इसकी हाफ हो जाती है, वैसे ही हम इसे करेंगे तो यला टर्म इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ वन अपॉइंट टू का होल जो रेडियन होगा हमारा, मैंने सेम एज इट इज रखा है और पावर स्क्वायर हो जाएगी बाहर टू आ जाएगा, यहाँ से पता लगा सकते हैं। उसके बाद में आप वन बाय टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे आप, और इसमें वन बाय टू क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा पाई फोर, और इसमें जब होगा तो माइनस वन टू से टू कट ऑफ हो जाएगा और वन बाय टू बाहर कॉमन ले लिया हमने। जैसे करेंगे ये ऊपर सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है इंटीग्रेट जब सेक्स स्क्वायर एक्स टी एक्स के टर्म में करते हैं तो हमारा टेन एक्स एज इट इज आ जाता है और प्लस सी कॉन्स्टेंट, वही हम उसका रेडियन सेम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हम इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन ही आएगा क्योंकि वन के साथ में क्या है, एक्स के साथ में वन ही है, और जब पावर करेंगे जीरो होगा तो वन इंटू वन वन ही आएगा, तो हमारा कोई सब्स्टिट्यूट करने जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमारा टेन इन रेडियन पाई बार फोर प्लस एक्स प्लस सी। उसके बाद में कॉस टू एक्स माइनस टू अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा किस टर्म करना है, हमें टी एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करना है। हमें पता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया प्रीवियसली कि कॉस टू एक्स किसके इक्वल होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स के, एज इट इज हम यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा हमारे जैसे इसमें टू एक्स था तो यहाँ एक्स हो गया, यहाँ टू अल्फा था तो अल्फा हो गया, बस माइनस का ध्यान रखना। जैसे ओपन अप किया तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, मैंने इसे यहाँ सेपरेट करके यहाँ लिख लिया, जैसे इसमें करेंगे तो ये माइनस निकलेगा, ये करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये सेम है अपोजिट साइन में तो ये कट ऑफ हो जाएंगे। देन डी एक्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम ये कट ऑफ हो जाएगा तो ये पार्ट बचेगा, इनमें से टू कॉमन आ जाएगा, मतलब क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। इसमें क्या हो जाएगा, डी एक्स के टर्म में करना पड़ेगा, उसे टू कॉमन ले लो, इसे ओपन अप कर लो, मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एम एस के लिख सकते हैं, उसे ही हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, जिसमें कि हमारे क्वांटिटी कर देगा, इसे हटा देगा। उसके बाद हमारे ऊपर ये पार्ट बचा, टू बाहर है हमारा, इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा को डी एक्स के टर्म में। जब इसे हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स, क्योंकि हम एक्स के टर्म में करना है, याद है दोस्तों एक्स के टर्म में करना है, तो इसे करेंगे साइन एक्स, टू हमारा बाहर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें देखो ये अल्फा है तो डेट मीन यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर वन होगा, और वन का करते हैं तो हमारा एक्स आता है, तो क्या हो गया टू एक्स कॉस अल्फा और प्लस सी कॉन्स्टेंट आएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। थैंक यू दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो में, और मेरी वीडियो शेयर जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिसकी मेरी कोई भी नई वीडियो है उसे आप पता लगा सो जल्दी।